हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। अगर आप चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, जैसे कि वैकेंसी कितनी है, किस तरह से फॉर्म भरते हैं या सिलेबस क्या क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि कोई सा भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एक मल्टीटास्किंग के लिए वैकेंसी आई है। ये रहा मल्टीटास्किंग यानी कि एमटीएस के लिए, ये क्या है टोटल बातें को बताता हूँ, कहाँ की फॉर्म है, किस तरह का अप्लाई करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है जो है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडियन लिमिटेड, यानी कि शॉर्ट में से बोल सकते हैं BECIL। इसे अपडेट किया गया है 9 अक्टूबर को। चलिए इस रिलेटेड सारी बातों को मैं जान लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसका एड्रेस दिया हुआ है, जो फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, फेक्स नंबर दिया हुआ, वेबसाइट भी दिया हुआ है। अगर किसी बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है दोस्तों, तो आप यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फ्लोइंग मैन पावर प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिक फॉर द डेवलपमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफिस इन दिल्ली NCR, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है दोस्तों। तो ये रहा है जो टोटल पोस्ट कितनी है, क्या क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, टोटल बातें बताया गया है। तो पोस्ट नेम है मल्टीटास्किंग यानी कि MTS, टोटल रिक्वायरमेंट है 50 है, यानी कि टोटल कौन वैकेंसी है 50। क्वालिफिकेशन दोस्तों आप सकते हैं, तो मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम ए रिकुलाइजेशन बोर्ड और या ITI पास रिलेवेंट सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आप ITI पास हो या तो आप मेट्रिकुलेशन पास हो यानी कि मेट्रिक किए हुए हैं, तो इसे फिल कर सकते हैं। एज लिमिट है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 18 मिनिमम होना चाहिए या 25 साल मैक्सिमम होना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एज रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, जो गवर्नमेंट नियम के अनुसार जो भी है दिया जाता है, वो आपको यहाँ पर भी उस नियम को फॉलो कर आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। जो है कंसिडर द फी पर मंथ, आप देख सकते हैं टोटल जो पर मंथ जो सैलरी होगा आपका, तो होगा सैलरी पर मंथ 16,858, यानी कि एक अच्छा खासा हैंडसम सैलरी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, किस तरह से आपको डाउनलोड करना है अप्लीकेशन फॉर्म, कहाँ से क्या करना है, कितना फी लग रहा है, चलिए आपको मैं टोटल बातें बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अप्लीकेशन फॉर्म मे बी ऑब्टेन फ्रॉम BECIL कॉरपोरेट ऑफिसर सी, जो एड्रेस दिखाया गया है, और डाउनलोड कर सकते हैं आप फॉर्म इस वेबसाइट से दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, ये वेबसाइट है, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल रहेगा, डायरेक्ट आप उस लिंक को क्लिक कर वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ बातें बताया जा रहा है, जो डली द फिल इन द अप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 पासपोर्ट साइज फोटो पैन कार्ड आधार कार्ड एंड नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी जो मनी है जो है 500 रुपया यानी कि 500 रुपीज़, जो जनरल OBC के लिए लग रही है, और जो 250 रुपीज़ यानी कि 250 रुपया है, जो SC ST PH में आते हैं उनके लिए 250 रुपया लग रही है। इसे आप पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू या तो ड्राफ्ट बैंकिंग के थ्रू। और ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इन द लिमिटेड पेएबल एट न्यू दिल्ली मे बी सबमिटेड टू द असिस्टेंट जनरल मैनेजर HR, जो हमारे जो इस जो पोस्ट के लिए जो इस कंपनी के जो जनरल मैनेजर है उनके एड्रेस जो है दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, कॉरपोरेट ऑफिस एट द BECIL भवन, जो है ये एड्रेस पे आप उस जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स को इस एड्रेस पे पोस्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ, तो चलिए मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताता हूँ कि क्या है। तो सिंपल सा दोस्तों है, आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको इस वेबसाइट में जाकर ये डाउनलोड करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पर आपको फिल करना होगा। मैं आपको वो भी क्या किस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म है आपको मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको क्या क्या सेंड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, जो एप्लीकेशन फॉर्म का उस एप्लीकेशन के साथ आपको अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, जितना भी आपको डॉक्यूमेंट्स है कौन कौन सा, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी में आपको खुद सिग्नेचर करना होगा, डेट डालना होगा, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटो होगा और आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपका ID प्रूफ है वो फोटो कॉपी होना चाहिए, और आपको सबमिट करना होगा ये एड्रेस पे दोस्तों। चलिए अब जो फॉर्म है आपको मैं वो दिखा देता हूँ। उससे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं जो लास्ट डेट है दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिस फॉर्म का लास्ट डेट है 12 नवंबर यानी कि 12 नवंबर से तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों ये रहा अप्लीकेशन फॉर्म जिसे मैं डाउनलोड कर चुका हूँ उस वेबसाइट में जाकर। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं ये बताया जा रहा है फॉर ऑफिस यूज, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो डालना है, उसके बाद जो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है आपको फिल करना होगा, आपका अपना नाम डालना है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डालना होगा, आप अपना नाम डालना होगा, फादर नाम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और अपना पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर डालना है दोस्तों। देख सकते हैं टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर टोटल अपना इन्फॉर्मेशन को डालकर
और फाइनली जो आपको नेक्स्ट पेज में आते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट पेज में आते हैं तो देख सकते हैं आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला जा रहा है। जो भी आप क्वालिफिकेशन है यहाँ पर अपना फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम बताना पड़ेगा, उसके बाद पासिंग ईयर आपने कब पास किया था, उसके बाद आपने किस ग्रेड से पास किया, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन पास किया हुआ आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, ट्वेल्थ के लिए, टेंथ के लिए, डिप्लोमा आईटी के लिए अपना डाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। नीचे आते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ बताना होगा, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नीचे आते हैं तो दोस्तों तो टोटल ये एक्सपीरियंस बताना होगा यहाँ पर। उसके बाद सिलेक्शन प्रेफरेंस द लोकेशन, आप किस लोकेशन पे आप प्रेफरेंस कर सकते हैं कि आप जॉब करना चाहते हैं, तो आप अपना मेंशन कर दीजिएगा। आपको तीन एग्जांपल दिया जा रहा है, तीन ऑप्शन है आपको किस, जैसे सपोज बिहार में, गुजरात में, तो अपना डाल लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो रेफरेंस बताया गया है दोस्तों, यहाँ पर नेम डाल दीजिएगा, एड्रेस डाल दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों तो आप देखते हैं लैंग्वेज आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है उसे टिक मार दीजिएगा वहाँ पे। अब फिर कर दीजिएगा हिंदी, तो हिंदी में बोलने आता है, लिखना आता है या राइट करने आता है या नहीं, इस तरह से टोटल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। अब नीचे आते हैं तो प्लीज़ अटैच द सेल्फ स्टेटस। दोस्तों मैं आपको बताया था टोटल शुरुआती जो फॉर्म के बारे में बताया था वहाँ पर आपको क्या क्या टेस्ट करना है सेल्फ स्टेटस, तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट नंबर टेंथ के अनुसार और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और एजुकेशनल जो प्रेफरेंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, पेन कार्ड, आधार कार्ड, कॉपी ऑफ ईपीआईजी, जो जो बताया जा रहा है दोस्तों, इसे आप अपना फोटोकॉपी के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके इस फॉर्म में एप्लीकेशन में डाल लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो लास्ट है सिग्नेचर कर लीजिएगा अपना, जरूरी है। उसके बाद अपना आप एड्रेस में सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको एड्रेस बता चुका हूँ कौन सा एड्रेस में सेंड करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जहाँ पे आपको मैं सारी बातें को डिटेल से बता चुका हूँ किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या एड्रेस है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा, और हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे मैं अगले वीडियो के साथ जहाँ पर फिर किसी प्रकार का गवर्नमेंट फॉर्म होगा जहाँ पर अलग गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल का जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर दें जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.